स्वागत है दोस्तों, आप सबका मेरे YouTube चैनल वर्ल्ड ट्रैवल हिंदी पे। मैं हूँ आपका दोस्त प्रतीक, और आज आप सबके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आया हूँ दोस्तों। इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि आप कैसे UK में 6 महीने के लिए आ सकते हो, जॉब कर सकते हो और अपनी कंट्री वापस भी जा सकते हो। साथ में अपनी फैमिली के लिए काफ़ी अच्छे खासे पैसे भी आप साथ में ले जा सकते हो। तो ये वीज़ा के लिए क्या एलिजिबिलिटी है और क्या इस वीज़ा का नाम है, वो सारी इन्फॉर्मेशन वीडियो में रहने वाली है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर से देखिए। चैनल पे नए आए हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, क्योंकि ऐसे ही वीज़ा रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन मैं हमेशा आपके लिए लाता रहता हूँ। तो दोस्तों, आप भी UK आ सकते हो, अपने सपने पूरे कर सकते हो। UK में आने के लिए आपको क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है इस वीज़ा के लिए, ये वीज़ा का नाम क्या है, वो सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर से देखना दोस्तों, क्योंकि एंड में मैं ऐसी एक इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ कि ये वीज़ा के लिए आपको कहाँ अप्लाई करना पड़ेगा और कैसे आप ये वीज़ा ले सकते हो दोस्तों। कौन सी ऐसी कंपनी है जो इस वीज़ा के लिए आपको स्पॉन्सरशिप दे सकती है दोस्तों? तो पहले बात करते हैं कि इस वीज़ा का नाम है टेम्पररी सीजनल वर्क वीज़ा, जो कि 6 महीने के लिए रहता है। इस वीज़ा के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो मैं बात करता हूँ। इस वीज़ा के लिए जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो ज़्यादा मेजर नहीं है। इसमें आपकी उम्र जो है वो 18 साल से ऊपर होनी चाहिए, आपके बैंक अकाउंट में कम से कम 1,30,000 रुपये के तकरीबन बैंक बैलेंस होना चाहिए, जो कि 28 दिन पुराना होना चाहिए दोस्तों। और इसके बाद आता है आपका पासपोर्ट। तो ये तीन डॉक्यूमेंट जो है वो मेजर डॉक्यूमेंट इसमें बताए गए हैं। तो ये तीन डॉक्यूमेंट को लेके आप अपने वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा आपको एक जो मोस्ट इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो है COS, सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप लेटर। तो ये जो लेटर है वो इस वीज़ा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है। तो आपको ये लेटर कहाँ से मिल सकता है उसके रिगार्डिंग बात करते हैं। तो आपको UK में जो भी यहाँ पे जो वर्क सीजनल वर्क जो यहाँ के एम्प्लॉयर है वो इस रिगार्डिंग जॉब निकालते रहते हैं, और वो अपनी वेबसाइट या अपनी जो रिक्वायरमेंट रहती है वैकेंसीज वो अपनी वेबसाइट पे डालते रहते हैं। तो आपको क्या करना रहेगा कि उनकी वेबसाइट पे जाके आपको अपना कवरिंग लेटर और एक अपना CV जो कि UK स्टाइल में होना चाहिए वो उस कंपनी में आपको मेल करना पड़ेगा, और उसके बाद वो कंपनी आपका जो भी केस रहेगा उसको स्टडी करेगी और उनको लगेगा कि जी ये बंदा यहाँ पे आके काम कर सकता है, तो वो लोग आपका इंटरव्यू करते हैं। और उसके बाद आपको इंटरव्यू क्लियर करते हो तो आपको आपकी सैलरी के बारे में बताएंगे, एक एग्रीमेंट साइन करेंगे, और उसके बाद आपको वो COS लेटर जो कि रहता है स्पॉन्सरशिप ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप लेटर वो आपको प्रोवाइड करते हैं। तो ये डॉक्यूमेंट को लेके आपके UKVI में VFS में सब अपॉइंटमेंट लेनी रहेगी और फिर आपको फाइल सबमिट करनी रहेगी। तो दोस्तों, ये वीज़ा की जो फीस है वो है £259 इन, मतलब के आप इंडिया के गिन लो तो 25,000 रुपये के तकरीबन इसकी जो एप्लीकेशन, ये जो टेम्पररी सीजनल वर्क वीज़ा है उसकी एप्लीकेशन फ़ीस रहेगी। इसके अलावा और कोई भी फीस नहीं है जो कि UK गवर्नमेंट की वेबसाइट पे दिया गया है। तो आप ये ज़रूर से जहन में रखिए कि ये वीज़ा के लिए सिर्फ और सिर्फ आपको 25,000 रुपये अपने जो वीज़ा एप्लीकेशन फ़ीस है उसको ही पे करना रहेगा, जो कि VFS की ओरिजिनल वेबसाइट रहेगी वहाँ पे आपको पे करना रहेगा। साथ में अब बात करते हैं कि ये वीज़ा जो है वो कब आप अप्लाई कर सकते हो। लेकिन ये फाइल्स कब सबमिट कर सकते हो? जबकि आपके पास COS लेटर आ जाता है उसमें क्लियरली आपकी ज्वाइनिंग डेट रहती है, तो वो ज्वाइनिंग डेट से 3 महीने पहले आपको ये वीज़ा के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि ये UKVI की गवर्नमेंट ऑफिशियल जो वेबसाइट है UK सीजनल वर्क वीज़ा टेम्पररी, उसमें ये अच्छी तरह से मेंशन किया हुआ है कि आप जब भी आपकी ज्वाइनिंग डेट रहेगी उसके 3 महीने पहले आपको ये वीज़ा अप्लाई कर देना पड़ेगा। प्रोसेसिंग टाइम है वो है 3 महीने का, तो आपको ये पहले ध्यान में रखना पड़ेगा। साथ में इस वीज़ा के ऊपर आप UK में आके क्या कर सकते हो और क्या नहीं कर सकते उसके ऊपर बात करते हैं। तो ये वीज़ा पे आके UK में आप 6 महीने रह के यहाँ का कल्चर आप इंजॉय कर सकते हो, यहाँ पे आप जॉब कर सकते हो, अपनी कंट्री के कंपेरेटिवली यहाँ काफ़ी अच्छे खासे पैसे आप कमा सकते हो और अपनी फैमिली को भी बेच सकते हो। साथ में आप UK में कुछ छोटा मोटा जो कि एजुकेशनल कोर्स रहेगा वो भी आप अगर करना चाहते हो तो कर सकते हो, UK उसकी परमिशन देता है। अब
जो इसके नेगेटिव पॉइंट है उसके बारे में बात करते हैं कि आप यूके में इस वीज़ा पे आके आप क्या कर नहीं सक क्या नहीं कर सकते। तो आप यूके में आके इस वीज़ा पे आप लॉन्ग टर्म कोई भी वर्क नहीं कर पाओगे। इस वीज़ा पे आके आपको सिर्फ और सिर्फ 6 महीने आके काम करना है और अपनी कंट्री वापस जाना रहेगा, और इस वीज़ा को आप किसी भी और वीज़ा में कन्वर्ट भी नहीं कर पाओगे। साथ में आप अपने डिपेंडेंट को भी यहाँ इस वीज़ा पे नहीं ला पाओगे, या तो आप अपने फैमिली को भी यहाँ पे बुला नहीं सकते हो। तो ये एक नेगेटिव पॉइंट है, लेकिन इसके साथ में आप अगर देखोगे तो पॉजिटिव ये पॉइंट ये है कि इस वीज़ा पे आके आप एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस यूके का ले सकते हो, साथ में यूके की लाइफ आप एक्सप्लोर कर सकते हो। यहाँ पे आके आप लोग कैसे रहते हैं, कैसे इंडिया से या पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल से कैसे स्टूडेंट यहाँ पे आते हैं, कैसे वर्क करते हैं, आप खुद भी यहाँ पे वर्क करते हो, तो ये सारा एक्सपीरियंस आप ले जा सक अपने साथ लेके जा सकते हो और एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस भी कर सकते हो यहाँ पे आके। साथ में एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि ये जो सीजनल वर्क वीज़ा रहता है वो किस रिगार्डिंग रहता है। तो ये यूके में जो हॉर्टिकल्चर रहता है, फूड पैकिंग रहता है, फ्रूट पैकिंग रहता है, साथ में वेजिटेबल पैकिंग रहता है, और इसके अलावा जो फार्मिंग रिलेटेड जो भी काम रहता है उसके रिगार्डिंग ये जो वीज़ा है वो निकलता रहता है। तो इसमें आपको वीज़ा अप्लाई करना पड़ेगा और आपको यहाँ पे आके वही काम करना रहेगा। इस काम के लिए आपको 1 घंटे का कम से कम 9 पाउंड से 15 पाउंड तक की वेजिस यहाँ पे मिलती है दोस्तों। और इसके बाद जो यहाँ पे वीकली जो वेजिस का क्राइटेरिया रखा गया है वो 14 आवर्स का रखा गया है। तो 40 आवर्स के बाद अगर उनके पास काम रहता है तो आप ओवर टाइम भी काम कर सकते हो इस वीज़ा पे। ऐसा नहीं है कि आप ओवर टाइम नहीं कर सकते हो, आप ओवर टाइम पे भी काम कर सकते हो और अच्छे खासे पैसे भी यहाँ पे आके कमा सकते हो। साथ में एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि इस वीज़ा पे आने के लिए आपको ना तो किसी IELTS की ज़रूरत है, ना ही कुछ किसी अच्छी खासी एजुकेशन की ज़रूरत है। अगर आप 12th पास हो तो भी आप यहाँ पे आके काम कर सकते हो दोस्तों। और इस वीज़ा के लिए गवर्नमेंट यही चाहती है कि आप इस वीज़ा पे यहाँ पे आओ, 6 महीने काम करो, पैसे कमाओ और अपनी कंट्री वापस जाओ दोस्तों। और ऐसी तरह से आप अगर आते हो और अपनी कंट्री में 6 महीने में वापस जाते हो तो दोबारा भी वही कंपनी आपको स्पॉन्सरशिप लेटर देने में थोड़ा सा भी हिचकिचाएगी नहीं और आप दोबारा भी यूके में आ सकते हो और यहाँ पे काम कर सकते हो दोस्तों। तो यूके ने जो ये वीज़ा निकाला है वो जो एशियन साइड की कंट्री रहती है उसके लिए बहुत ही बेनिफिशियरी है वीज़ा है। और इस वीज़ा के लिए ज़्यादा कुछ मेजर डॉक्यूमेंट भी नहीं है, तो आप इस वीज़ा पे यहाँ पे आके काम कर सकते हो और अपनी फैमिली को भी सपोर्ट कर सकते हो दोस्तों। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल रही होगी, और इस वीडियो की माध्यम से अगर आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। साथ में मैं अपना इंस्टाग्राम का जो ईमेल आईडी है, इंस्टाग्राम का आईडी है, वो भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी कॉन्टेक्ट कर सकते हो और वहाँ पर मुझे आप बात भी कर सकते हो। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक बटन को ज़रूर से प्रेस करना, चैनल पर नया है वो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, बेल आइकन को प्रेस करना, क्योंकि ऐसे ही वीज़ा रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन आप सबके लिए मैं लाता रहता हूँ दोस्तों, तो वो इन्फॉर्मेशन आप लोग मिस ना कर सको। इसके साथ में एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि जल्दी आपके लिए अभी मैं सोशल मीडिया पर और एक्टिव होने की कोशिश करूँगा और साथ में ही आपके लिए ऐसे ही वीज़ा रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन आप सबके लिए लाता रहूँगा। तो चैनल के साथ बने रहिए दोस्तों। आप सबको वीडियो एंड तक देखने के लिए खूब खूब धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।